लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और वो है ब्रिक्स में शामिल होने की तुर्की की नाकाम कोशिश। खबर यह है कि अब भारत ने ब्रिक्स में तुर्की की एंट्री को रोका है। इसकी वजह भी अब जान लीजिए, क्योंकि खबर यह सामने आ रही है रिपोर्ट के आधार पर दावा किया जा रहा है, जहां तुर्की की पाकिस्तान से नजदीकी उसे भारी पड़ी है। हालांकि इसको लेकर मैं करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले जानिए कजान सबमिट में एर्दोगान ने आवेदन किया था और जर्मन अखबार बिल्ड की इस रिपोर्ट में इसको लेकर जो दावे किए गए हैं, ये देखिए इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां भारत ने ब्रिक्स में तुर्की की एंट्री को रोका है। रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है और तुर्की की पाकिस्तान से नजदीकी उसे भारी पड़ी है। पिनाक्सर, सवाल इस पर आपसे होगा क्योंकि कजान सबमिट में एर्दोगान ने आवेदन को सपोर्ट ही नहीं मिला है और नेटो और ब्रिक्स का एक और साथ मेंबर तुर्की बनना चाहता है। ब्रिक्स मेंबर बनकर पश्चिम देशों पर दबाव बनाना चाहता है तुर्की, और ब्रिक्स में आवेदन से नेटो देश तुर्की से भी नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि इन सोर्सेस के लिहाज से किया जा रहा है इस दावे के तहत, सर समझाइए कि आखिर कैसे उसकी पाकिस्तान से ही नजदीकी उस पर अब भारी पड़ गई है। मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो नहीं है, क्योंकि तुर्की एक नेटो का मेंबर है। आप ये ध्यान रखिए कि तुर्की इज अ नेटो मेंबर एंड नेटो इज फाइटिंग एंड फ्यूलिंग द वॉर इन यूक्रेन, तो रशिया कैसे मान जाएगा उसको? तुर्की तो एक वेस्टर्न एलाई है, उसके पास F-16s है। अभी आप दिखा रहे थे वो बड़ी बड़ी F-16s जो उन्होंने छवि निकाली है, वो अटैक कर रहे हैं कुर्दिस्तान को या फिर कुर्द्स जहां पे हैं सीरिया में, क्योंकि उन्होंने वो जो टेररिस्ट अटैक उसका बदला लेना है, क्योंकि वो जो टेररिस्ट है जिनको वो टेररिस्ट कहते हैं वो कुर्दी फ्रीडम फाइटर्स। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा तो और बड़ा है, क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर है। मुझे लगता है इसीलिए तुर्की को कई कई देश होंगे वहां पे, और सबसे पहले रशिया, जो कभी एग्री नहीं करेगा कि तुर्की को ब्रिक्स में लिया। राइट सर, अंडरस्टूड। बट इसी रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से दावा तो ये भी कर दिया गया कि ब्रिक्स में आवेदन से ही नेटो देश भी तुर्की से नाराज थे। बहरहाल एक और बड़ी खबर और उस वॉर फ्रंट का जिक्र करती हूँ, जहां पर यूक्रेन में रूस के विनाशक हमलों से हड़कंप को लेकर एक बार फिर खबर सामने आ रही है, जहां कीव समेत कई शहरों पर कैमिकाज़ी ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया है और यूक्रेनी एयर डिफेंस ने पलटवार भी किया। सर्फेस टू एयर मिसाइल से शाहिद ड्रोन को मार गिराया गया, रूस के 15 से ज्यादा ड्रोन मार गिराने का दावा। डोनेस में रूस के बारूदी प्रहार को लेकर भी खबर है, जहां BM-21 ग्रैड MLRS से भीषण हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेनी पोजीशंस पर भारी फायरिंग की गई है और एक साथ कई टारगेट्स पर हुई बमबारी की ही ये तस्वीर। इसी हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा। तो अब यूक्रेन में रूस के हमलों से मचे हड़कंप की वो तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से कीव में कैमिकाज़ी ड्रोन से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। वहीं डोनेस में भी रूस के बारूदी प्रहार की वो तस्वीर, जहां BM-21 ग्रैड MLRS से भीषण हमला हुआ है। विनोद सर, इस लिहाज से दोबारा आपके पास इसको लेकर सवाल कर रही हूं, क्योंकि इसी फ्रंट पर पहले सवाल मैंने ज़ापोरिज़्या के लिहाज से किया था, वहीं डोनेस ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर पहले ही इन पूरे इलाकों को खंडर में तब्दील कर दिया गया है, तो क्या वजह है कि इस फ्रंट पर अभी तक गवर्न करने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ? ये होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पहले तो पॉपुलेशन, जो पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी दो खेमों में बटा हुआ है। और ये आगे पीछे जो मैं योयो की बात कर रहा था, जो आगे पीछे इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग आर्थिक वो देखते हैं और कुछ लोग अपनी जो जो पॉलिटिकल लीनिंग है उस पे ज्यादा जोर देते हैं। ये आज से नहीं, बहुत 2008 से हमने देखने मिल रहा है कि ये इनका जो पॉपुलर सपोर्ट बीइंग अप एंड डाउन, जिसके वजह से आप इस एरिया में देखते हैं कभी किसी को अपर हैंड मिल रहा है, कभी किसी को अपर हैंड मिल रहा है। ये जब तक ये नहीं स्टेबलाइज होगा सुरभि जी, इस ये एरिया, ये यहाँ से लेके नॉर्थ
नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन तक नहीं स्टेबलाइज होगा, ये वॉर का खत्म करना या फिर इसके टेबल पे आके बात करने का जो जो बेस है वो नहीं सेट होगा। तो इसीलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा इनका जोर है कि किसी तरह इसको स्टेबलाइज करके एक फौज में कहते हैं फॉरवर्ड लाइन ऑफ ट्रूप्स, वो एक बना दिया जाए और वहां पे बात शुरू करा जाए। लेकिन ये क्यों पॉसिबल नहीं हो पाएगा?